और अमेरिका से अब एक हैरान करने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। शिकागो एयरपोर्ट पर अचानक एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को तोड़ती चली गई। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए रिपोर्ट। यह है अमेरिका के शिकागो का ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के 3 बज रहे थे। सामने से आ रही लोकल ट्रेन को यहाँ यात्रियों को उतारना था, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं बल्कि पटरी से उतर गई और जब तक किसी की समझ में कुछ आता तेजी से एक्सेलेटर पर चढ़ गई। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए। अब हम आपको बताते हैं आखिर कैसे हुआ यह हादसा। दरअसल पलक झपकते हुए इस हादसे की वजह ड्राइवर का पलक झपकना ही है। इस लोकल ट्रेन को एक नौसिखिया महिला ड्राइवर चला रही थी। ट्रेन चलाते चलाते अचानक महिला ड्राइवर की आंख लग गई। जब तक उसकी आंखें खुलती वो कुछ समझ पाती तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेन बेकाबू हो गई और अपने आखिरी स्टॉप ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुक नहीं पाई। तेज स्पीड होने की वजह से ट्रेन पहले साइड वॉक पर चढ़ी और उसके बाद एक्सेलेटर पर धराशायी हो गई। जिस अंडरग्राउंड ब्लू लाइन पर यह हादसा हुआ है वहां दिन के वक्त यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन गनीमत यह रही कि तड़के 3 बजे यहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसीलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया।